देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। चुनावी महासंग्राम की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। खंडवा से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवीय अपने सहयोगियों को अपने साथ में लेकर दादाजी वार्ड दुबे कॉलोनी पड़ावा दूध तलाई में सघन जनसंपर्क करने घर घर पहुंच रहे हैं। तो वहीं पंधाना से भी कांग्रेस प्रत्याशी छाया मोरे ने भी जनसंपर्क करते हुए ग्राम आरू दीवाल में घर घर जाकर मतदाताओं से उन्हें विजय बनाने हेतु अपील करते हुए आशीर्वाद लिया। उसी के बाद एक और पंधाना विधानसभा से ही बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में राम ने भी लखन गांव, कैशून, सालई, कीर गांव, डोर गांव, काकरिया आदि गांव का दौरा कर मतदाताओं के घर घर जाकर सघन जनसंपर्क किया। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मतदाता अपना जनादेश किसे देकर विधानसभा में पहुंचाती है। इसी तरह खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने भी सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल घोषणाओं की सरकार रही है, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वचन निभाने वाली पार्टी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।